student, subject maths, topic 12 month in a year. Do you know how many month in a year? 12 month. Okay. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. Okay, 12 month. See, look here. In this circle, first month in January. क्या write किया है? January in first month. Second, February. Third, March. Fourth, April. Fifth, May. Sixth, June. Seventh, July. Eighth, August. Ninth, September. Tenth, October. 11th, November. And 12th, December. Okay? I repeat again, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. In year, how many seasons? कितने seasons होते हैं एक साल में? इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 3 सीजन्स, विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन. मालूम है ना आपको सबको? विंटर सीजन मींस ठंडी रहती है तभी. वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन. क्या पहनते हैं हम लोग विंटर सीजन में ठंडी लगती है तो? वूलन क्लॉथ्स, उनके गर्म कपड़े पहनते हैं. स्वेटर पहनते हो ना आप? ओके. सो नेक्स्ट, समर सीजन. समर सीजन मीन्स बहुत गर्मी रहती है तभी आप लोग बार बार स्नान करते हो, बाथिंग करते हो, अपना चश्मा पहनते हो, कैप पहनते हो, धूप लगती है सर में तो, है ना. वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन. लास्ट, रेनी सीजन. क्या है ये? रेनी सीजन. वी वेयर रेन कोट एंड यूज अम्ब्रेला इन रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम लोग रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट, मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर. लुक हियर, कितने डेज होते हैं वो हम रीड करेंगे यहाँ पे. एंड स्पेलिंग, फर्स्ट जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी. जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी मीन्स 31 डेज इन मंथ. जो जनवरी मंथ है साल का पहला महीना है. एंड लास्ट मंथ इज डिसम्बर. ओके. लास्ट मंथ कौन सा है? डिसम्बर है. जनवरी से स्टार्ट होता है ये साल और डिसम्बर में एंड होता है इसका, एंड ऑफ द मंथ. स्टूडेंट, यू नो जनवरी जब नया साल आता है तो आप सेलिब्रेशन करते हो ना? हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हो ना आप लोग? यस, एंजॉय करते हो. तो सेकेंड मंथ इज देयर फेब्रवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फेब्रवरी. फेब्रवरी इज द सेकेंड मंथ. एफ ई बी आर यू ए आर वाई फेब्रवरी. फेब्रवरी हैज़ 28 एंड 29 डेज. फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? 28 एंड 29. मीन्स जो लीप का साल होता है उसमें 29 डेज होते हैं, अदरवाइज 28 डेज. नेक्स्ट, मार्च, एम ए आर सी एच
मार्च, एम ए आर सी एच मार्च। हाउ मेनी डेज इन ए मार्च मंथ? 31 डेज। कितने होते हैं? 31 डेज। ओके, सो नेक्स्ट अप्रैल, क्या है अप्रैल? ए पी आर आई एल अप्रैल, ए पी आर आई एल अप्रैल इज द फोर्थ मंथ इन द ईयर। अप्रैल हैज 30 डेज। ओके, 30 दिन होते हैं इसमें। नेक्स्ट है मे, क्या है ये मे? मे इज द फिफ्थ मंथ, मे इज द फिफ्थ मंथ, एम ए वाई मे। हाउ मेनी डेज इन ए मे? कितने डेज हैं मे में? 31 डेज। ओके, नेक्स्ट सिक्स मंथ इज जून, जून इज द सिक्स मंथ, जे यू एन ई जून। हाउ मेनी डेज इन ए जून? 30 डेज। ओके, नेक्स्ट सेवन्थ मंथ इज जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई इज द 31 डेज। ओके, एट मंथ इज ऑगस्ट, एट मंथ इज ऑगस्ट, ए यू जी यू एस टी ऑगस्ट, ए यू जी यू एस टी ऑगस्ट इज हैज 31 डेज। नेक्स्ट सेप्टेम्बर, क्या है ये सेप्टेम्बर? एस ई पी टी ई एम बी ई आर सेप्टेम्बर इज द नाइन्थ मंथ। कौन सा महीना है सेप्टेम्बर? नाइन्थ मंथ है, नौवां महीना रहता है ये। सेप्टेम्बर है 31 डेज। नेक्स्ट अक्टूबर, क्या है ये अक्टूबर? ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर, अक्टूबर इज 10th मंथ। कौन सा मंथ है ये? 10th। अक्टूबर है 31 डेज। नेक्स्ट इज 11th मंथ नवंबर, एन ओ वी ई एम बी ई आर नवंबर, नवंबर है 30 डेज। ओके, एन ओ वी ई एम बी ई आर नवंबर, नवंबर हैज 30 डेज। लास्ट वन दिसंबर, दिसंबर इज द 12th मंथ इन द ईयर। डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर, दिसंबर इज हैज 31 डेज। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अभी आपको? ऐसा ऊपर आपको फर्स्ट मंथ राइट करना है और साथ में डेज लिखना है। वन मंथ में जनवरी में हाउ मेनी डेज इन ए जनवरी, हाउ मेनी डेज इन ए अप्रैल, हाँ विच इज द फिफ्थ मंथ, ये सब आपको याद रखना है। ओके, लुक एट दिस कैलेंडर, यहाँ पे भी देखो ये ऐसा पूरा बना है, हो गया ना। नेक्स्ट मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर, जैसे कि ये चार्ट बना हुआ है, हमने पहले रीड किया है। विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन, देयर आर थ्री सीजन्स इन इंग्लिश कैलेंडर। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार थ्री सीजन्स होते हैं। सो फर्स्ट विंटर सीजन का भी स्टार्ट होता है अक्टूबर से, दिस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रवरी। अक्टूबर से लेकर फेब्रवरी तक विंटर सीजन काउंट किया जाता है। नेक्स्ट सॉरी जनवरी, तो नेक्स्ट फेब्रवरी में से स्टार्ट होता है, फेब्रवरी टू जून समर, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई जून। ओके, गर्मी रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट रेनी सीजन, जून टू अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ओके,
विंटर अक्टूबर टू फेब्ररी, समर फेब्ररी टू जून, रेनी सीजन जून टू अक्टूबर. नेक्स्ट, द ईयर बिगिन विद द मंथ ऑफ जनवरी एंड एंड विद दिसंबर. सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मंथ है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ, जो साल है जनवरी मंथ से स्टार्ट होता है और एंड विद दिसंबर, दिसंबर के साथ ये ख़त्म होता है, समाप्त होता है, फिर से नया मंथ स्टार्ट होता है, नया ईयर न्यू ईयर स्टार्ट होता है. ओके, फर्स्ट पर्सन इज देयर, नेम द मंथ डैट हैव 30 डेज. उन महीनों के नाम बताने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं. अभी आपने पीछे सीखा है ना. यस, 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. कौन सा महीना है ये? सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30. ओके, ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फेब्रवरी एलोन. ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फेब्रवरी एलोन. सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर हैज 30 डेज और फेब्रवरी हैज 28-29 डेज. और अदर मंथ जो बाकी के बचे हैं रेस्ट मीन्स, उनमें कितने डेज होते हैं? 31. ओके, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 31 डेज आर देयर इन द होल ईयर? हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 31 डेज आर देयर इन द होल ईयर? पूरा साल में कितने महीने हैं जिन्होंने 31 डेज होते हैं? तो आंसर इज 7 मंथ. ओके, कैलेंडर पे आप काउंट कर सकते हो, जब राइट करते हो तो टैली कर सकते हो. हाउ मेनी डेज डज फेब्रवरी हैव? फेब्रवरी हैज 28 एंड 29 डेज. कभी 29 होते हैं और कभी 28 होते हैं. ओके, विच मंथ कम बिफोर जून? जून के पहले कौन सा महीना आता है? कौन सा आता है मालूम है? आपको पूरा रीड करने बैठते हो है ना, फिर जनवरी से पढ़ेंगे टैली करने के लिए. जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. तो जून राइट किया है, तो जून बिफोर क्या बोला अभी मैंने? मई. ऐसा काउंट करके रीड करके उसको आंसर राइट करना है आपको. विच इज द मंथ बिफोर जनवरी? जनवरी के पहले कौन सा महीना आता है? जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ. ओके, तो इसके पहले जो लास्ट मंथ है उसका नाम हम लोग बताएंगे साथ में, जनवरी बिफोर दिसंबर. ओके, नेक्स्ट, मंथ ऑफ द इंडियन कैलेंडर. डू यू नो इंडियन कैलेंडर? इसमें हमारे जो देसी महीने होते हैं उनके नाम होते हैं. जैसे आप मराठी में पढ़ते हो वैसा इसमें मराठी के वर्ड हैं मंथ के. ओके, फर्स्ट मंथ इज देयर चैत्रा, सेकंड विशाखा, थर्ड ज्येष्ठ, फोर्थ इज आषाढ़, फिफ्थ श्रावण, सिक्स भाद्र, सेवन्थ आश्विन, एट कार्तिक, नाइन अगहरण, मार्ग शिरर भी बोल सकते हैं इसको, थोड़ा हार्ड जा रही है, टेंथ पौष, इलेवेंथ माघ और ट्वेल्थ फाल्गुन. ओके, ये मराठी में आप जो पढ़ते हो उन महीनों के नाम यहाँ पे राइट किया है. इसमें भी ऋतु बताए हैं, जैसा उसमें सीजन था इसमें भी ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म,
वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ओके, यहाँ पे सिक्स ऋतुज आते हैं। नेक्स्ट, इन द ईयर बिगिन विद द मंथ ऑफ चित्रा एंड एंड विद फाल्गुन। जो इंडियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग चैत्रा इज द फर्स्ट मंथ। ओके, सो लास्ट मंथ इज फाल्गुन। ऑब्जर्व द पिक्चर अबव एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। सीजन्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे हमने अभी रीड किए थे सिक्स सीजन्स ऋतुज, उनके नेम आगे हमें फिलअप करने हैं। सीजन वसंत, ग्रीष्मा, नेक्स्ट वर्षा, नेक्स्ट शरद, नेक्स्ट हेमंत, नेक्स्ट शशिर। ओके, ये भी आपको लर्न करना है स्पेलिंग के साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द मंथ ऑन द कोचेस अंडर द ब्रिज। सी, लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है। देखो गाड़ियाँ जा रही है ना ऊपर से ब्रिज के, और नीचे भी गाड़ी है, बट जो ब्रिज के ऊपर जो नेम दिए हैं वो रीड करना है हमें। कोचेस बनाए हैं, चित्रा, विशाखा, विशाख, भाद्रव, अश्विन। ओके, नेक्स्ट ए स्कूल कैलेंडर। लुक एट दिस कैलेंडर, फर्स्ट रीड द कैलेंडर डेज डेट्स। ओके, नेक्स्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। मंथ दिसंबर, दिसंबर मंथ का ये कैलेंडर है, ये डेज लिखे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे शॉर्ट में लिखे हैं। कैलेंडर में ऐसे लिखा होता है ना शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर संडे के डेट लिखे, संडे कौन कौन सा डेट को आता है, फर्स्ट, एट, 15, 22 एंड 29। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 5 संडे इन दिसंबर मंथ। ओके, यहाँ पे हमें 5 संडे दिख रहे हैं। मंडे सेकंड को है 9, 16, 23, 30। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मंडे इन दिसंबर मंथ। ओके, ट्यूसडे 3rd, 10th, 17th, 24th, 31। ट्यूसडे कितने दिनों में आते, कितने हैं यहाँ पर, 5 है। ओके, सो नेक्स्ट वेडनेसडे 4, 11, 18, 25। वेडनेसडे कम है ना यहाँ पर, 4th वेडनेसडे। थर्सडे 5th, 12th, 19 एंड 26। 4th थर्सडे, फ्राइडे 6, 13, 20 एंड 27। 4 फ्राइडे, सैटरडे 7, 14, 21 एंड 28। ओके, जब हमें टैली करना होता है तो ये हमें पूरा देखना पड़ता है कौन सी डेट को संडे है और कितने संडे आ रहे हैं। कभी कभी कम भी आते हैं, कभी कभी ज़्यादा आते हैं। ओके, सो क्या राइट किया है, देखो यहाँ पे 25th को क्या लिखा है, क्रिसमस, एंड 12 स्पोर्ट्स है, 13 को भी स्पोर्ट्स है, और 20 को क्या लिखा है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, 7 को क्या लिखा है, पिकनिक। ओके, नाउ वी लर्न द सेंटेंस। रामा यश को पूछ रहा है, डू यू नो विच इवेंट्स विल टेक प्लेस इन आवर स्कूल इन दिसंबर। डू यू नो विच इवेंट्स विल टेक प्लेस इन आवर स्कूल इन दिसंबर। यश को पूछ रहे हैं, क्या तुम जानते हो कि कौन कौन से इवेंट्स दिसंबर में हमारे स्कूल में होने वाले हैं और कभी होने वाले हैं, प्लेस मीन्स। यश, येस ऑफ कोर्स इट गिवन इन आवर स्कूल कैलेंडर। यश बोल रहे हैं कि ये तो हमारे स्कूल कैलेंडर में दिया हुआ है, आपको भी डायरी मिलता है, कैलेंडर मिलता है,
उसमें दिया जाता है ना सब, और क्लास में भी एक हमारे कैलेंडर लगा होता है, हम लोग वहाँ पे भी टैली करते हैं। ओके रामा, ओके नाउ टेल मी, ठीक है तुम बताओ मुझे, ऑन विच डे इज द ड्राइंग कॉम्पिटिशन? सो ड्राइंग कॉम्पिटिशन कभी है मेरे को बता सकते हो? यश कैलेंडर को देखते हैं, ही लुक एट द कैलेंडर एंड टेल द आंसर, फ्राइडे, कभी है फ्राइडे को, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना 20 तारीख को, कौन सा डे है? फ्राइडे। ओके डे पूछा है उन्होंने, डेट नहीं पूछा है। रामा एंड द स्पोर्ट्स कंपटीशन, और स्पोर्ट्स कंपटीशन का भी है यहाँ पे देखते हैं, 12th and 13th को कौन सा डे है? थर्सडे है एंड फ्राइडे है। ओके थर्सडे एंड फ्राइडे, यश बोलते हैं। इट इज़ योर टर्न नाउ, यश बोलते हैं अब तुम्हारी बारी। विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट ऑन 25th December? अभी तुम बताओ रामा कि 25th December को कौन सा फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके रामा इजी इट इज़, ये तो बहुत इजी है, कैलेंडर देखता है, बिना देखे ही आप लोगों को मालूम होते हैं ना क्रिसमस का। यस तो रामा बोलते हैं यस इट इज़ इजी, इट इज़ क्रिसमस। ओके यश ओके देन आई विल लीव नाउ, ठीक है आई हैव टू गेट रेडी फॉर द पिकनिक टुमारो, चलो अभी हम लोग पिकनिक, कल पिकनिक है उसका तैयारी करते हैं। ओके अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट लुक एट द कैलेंडर, काउंट द डेज, रीड द डेट एंड टेल द आंसर एवरीवन। थैंक यू।